नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट एट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 207.55 मीटर पर पानी पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना किनारे घरों में पानी घुस गया है और इस बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से सीमित गति से पानी छोड़ने की अपील की है। कहा कि राजधानी में बाढ़ से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बहरहाल, दिल्ली में बाढ़ से बचाव और राहत के कार्यों में लगाई गई है एनडीआरएफ की 12 टीमें। एक टीम में 47 लोग होंगे और ये लोग सुरक्षित स्थान पर स्थानीय लोगों को ले जा रहे हैं। तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मांडू इलाके में लोगों के घर में पानी डूबी गए। वहां पर यहां पांचवें पुश्ते पर सुबह पानी बढ़ने के बाद एक युवक अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसको बाद में राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। और इंसानों से ज्यादा बुरा हाल पशुओं का है। एक गौशाला में इतना पानी भर गया कि गायें बैठ भी नहीं पा रही हैं। मालिक का कहना है कि 2013 के बाद से बाढ़ आती रही है, लेकिन इस साल हालात ज्यादा खराब है। गौशाला के अंदर पानी आ गया है। वहां बड़ी तादाद में गायों का आश्रय यहाँ पर दिया जाता है। और मोनास्ट्री इलाके में लोगों पर क्या कुछ बीत रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी परमल कुमार। फिलहाल हम मॉन्स्ट्री मार्केट के बाद उन घरों में हैं जो यहीं पे रहते हैं और उनकी परेशानी आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ी हुई है। हर कोई अपने सामान को शिफ्ट करने में लगा हुआ है या फिर नीचे वाले घरों को छोड़कर ऊपर चला गया है, क्योंकि पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। और ये 2010 के बाद ऐसे हालात बने हैं जहां पर ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की हालत आती है। देखिए, लोग सामान यहाँ पर शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। ये बाजार का इलाका हमने दिखाया, अब ये घर का इलाका है जहां पे लोग घरों के बाद कुछ कुछ चीजों को अपने सेफ जगह पे पहुंचाने में लगे हुए। दिल्ली की हालत है, आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास मॉनेस्ट्री मार्केट की स्थिति है, जहां पे हम चीजों को बयां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौथी बार है जब यमुना का जलस्तर 207 मीटर के ऊपर गया है। से कब से आप लोग को ये, कल शाम से या आज सुबह से ये दिक्कत आई है? ये अंदर तो अभी आ रहा है, अभी सुबह सुबह सुबह। और ये बगल में यमुना है, यही बगल में? हाँ, ये सामने यमुना है। और ये सामने में यमुना है जिसका पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। तो ये देखिए, ये कमरे हैं, ये घर है। अब ये घर की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या है। ये सुबह से आने शुरू हो गए? सुबह से। हाँ, सुबह। तो सामान हम लोग, आप लोग शिफ्ट कर पाए? पूरा सामान तो पूरा कर लिया, ऊपर कर लिया, फर्स्ट फ्लोर पर कर लिया। ऐसा कब देखा होगा आपने? बहुत लंबे समय से रह रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो हम ज्यादा साउथ में रहते हैं ना। अच्छा, यहाँ एक एक साल के लिए आते हैं, फिर फर्स्ट पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा। परेशानी लोगों की फिलहाल जो है वो बढ़ी हुई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड को अगले 4 दिनों तक की बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि 13 तारीख तक पर्यटक ना आए उत्तराखंड। और आप देख सकते हैं किस तरह से हालात बेहद खराब यहां पर बने हुए हैं। टूटी सड़कें, टूटे पुल और बहते नाले, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल यात्री जो हैं, पर्यटक जो हैं, वहां पर मौजूद हैं। बद्रीनाथ धाम से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मानसी जोशी। उत्तराखंड में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार भारी बारिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के अंदर जो जोश है वो कम होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चारधाम यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की चारधाम यात्रा उत्तराखंड की है जो कि लगातार जारी है। और आप देखिए, यहाँ बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, भारी बारिश के बीच में आए हैं। मैं आपको बताऊं कि मंगलवार को बद्रीनाथ में करीब 5,500 जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, और आज भी यहाँ पे आप भारी संख्या में देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है, लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है, रास्ते बड़े खराब है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान भी गिर रहा है। अभी की अगर मैं बात करूं तो तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि सुबह से बरसात काफी तेज हो रही है। हालांकि अभी बारिश कम है, लेकिन कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। और आप ठीक नीचे देखें, यहाँ पे अलकनंदा नदी जो है वो बह रही है और उसका बहाव भी काफी ज्यादा तेज हो गया है।
बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जो अलकनंदा नदी है वो उफान पर है, चारों तरफ धुंध है, ऊपर पहाड़ों में धुंध है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है भारी बारिश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है लगातार बद्रीनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, देश के हर एक कोने से यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से मानसी जोशी, NDTV इंडिया। और बात पश्चिम बंगाल की, पंचायत चुनाव में लगातार हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहे पश्चिम बंगाल में नतीजे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में आए हैं। TMC ने एक बार फिर से यहां पर भारी जीत हासिल की है। TMC को उन इलाकों में जीत मिली है जहां विधानसभा और लोकसभा चुनावों में BJP के उम्मीदवार जीते थे। ताजा रुझानों के अनुसार TMC ने त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों में जबरदस्त सफलता हासिल की। TMC को 35,514 ग्राम पंचायत सीटें, 6,623 पंचायत समिति की सीटें और जिला परिषद की 823 सीटों पर कब्जा मिला है। दूसरे नंबर पर रही BJP के खाते में 9,870 ग्राम पंचायत सीटें, 1,035 पंचायत समिति की सीटें और जिला परिषद की 26 सीटें आई हैं। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, लेफ्ट चौथे स्थान पर रही और इन दोनों पार्टियों ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया। इन दिनों बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई जिनमें 41 ज्यादा लोगों की जान गई। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम उसके आदेश पर निर्भर करेंगे। और पटना में 15 विपक्षी दल जुटे हैं लेकिन बेंगलुरु में 24 दल साथ बैठने वाले हैं। 17-18 जुलाई की इस बैठक में कई और दल शामिल होंगे। कांग्रेस से तनातनी के बावजूद आम आदमी पार्टी भी बैठक में रहेगी और बैठक का एजेंडा इस बार ज्यादा साफ है। 3 वर्किंग ग्रुप इसमें बनाए गए हैं। और अब एक मंच पर शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। 1 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा लोकमान्य तिलक अवार्ड। पुणे में समारोह होगा, शरद पवार होंगे मुख्य अतिथि। तो शरद पवार और प्रधानमंत्री साथ दिखेंगे। NCP खेमे से कहा जा रहा है कि यह कार्यक्रम 1 महीने पहले ही तय हो गया था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से व्यापम घोटाले की आहट सुनाई दे रही। व्यापम का नाम कर्मचारी चयन मंडल हो चुका है। उसके हाल के ग्रुप 2 और पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, नतीजा आया तो टॉप 10 में 7 उम्मीदवार जिस कॉलेज में बैठकर परीक्षा दे रहे थे वो ग्वालियर का था। ये कॉलेज BSP से BJP में शामिल हुए विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस परीक्षा केंद्र से 114 लोगों का चयन हुआ है। दिल्ली की गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक लड़की का शव मिला है जो कई टुकड़ों में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस को आज सुबह करीब 9 बजे ये शव की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जहां कई टुकड़ों में ये शव बरामद हुआ है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है, उसके नीचे एक डेड बॉडी मिली है। तो हम लोगों ने आके देखा है, हमारे दोनों DCP जी आ गए, मैं भी मौके पे आ गया। हमने ये देखा है कि 2 बैग हैं, जिसमें एक में सिर है, बाकी में उसके पार्ट्स मिले हैं हमें। और प्राइमर फेसा ही, क्योंकि बाल लंबे हैं तो हम यही मान के चले डीकम्पोज बॉडी है। अभी पता नहीं लग पा रहा मेल है फीमेल है, लेकिन क्योंकि बाल लंबे तो मान के चल रहे हैं कि फीमेल होनी चाहिए। अभी हम इसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज रहे हैं, फॉरेंसिक जाँच करवा रहे हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी और अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। सर,